वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। टुडे वी विल लुक अपॉन द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट राइट क्वेश्चन माइट बी लाइक दिस। सिंपल क्वेश्चन होगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, बट स्टिल बच्चे जो है आंसर नहीं कर पाते बिकॉज ये टॉपिक नहीं पढ़ते राइट। हालांकि ये टॉपिक 11th 12th क्लास का है, बट स्टिल अगर आप इसको पढ़ लें तो यू कैन गेट मार्क्स राइट। बेसिकली क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चंस कैन बी लाइक डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, लाइक सम व्हाट लाइक दीज क्वेश्चंस राइट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है राइट, और एटीपी के रिगार्ड में आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ये सब चीजें आपको पढ़नी है राइट। ओके, सेकेंड वन, इफ वी कम ऑन रेस्पिरेशन, बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक के केस में ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बच्चे जो है, इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, फील वेरी बोर्ड जब ये साइकिल्स वगैरह वो पढ़ते हैं, बट स्टिल आप याद रखना, एक बार अगर आपको याद हो गई अच्छे से, उसको बार बार आप रिवाइज करो बिकॉज एंजाइम्स के नाम, प्रोडक्ट्स के नाम हम भूल जाते हैं। ट्राई टू कनेक्ट देम, अब ये एक के बाद एक जो है आपस में कनेक्टेड है राइट। ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, पहले चंक्स में पढ़ो, पार्ट्स में पढ़ो, देन एड देम ऑल अप राइट, एक साथ पढ़ो इनको। मेन क्या आपको पढ़ना है, मेन आपको प्रोडक्ट्स के नाम पढ़ने हैं। प्रोडक्ट्स के नाम वो आपसे नहीं पूछने वाला राइट, वो आपसे क्या पूछेगा, स्टेप्स के बारे में, रिवर्सिबल स्टेप कौन सा है, इररिवर्सिबल स्टेप कौन सा है, अगर कोई एंजाइम के बारे में कोई स्पेशल बात है तो वो स्पेशल बात क्या है राइट। बेसिकली जो है एंजाइम्स रिलेटेड चीजें जो है वो पूछी जाती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से पूछ लेगा, इस तरीके की क्वेश्चंस जो जो कुछ एक्सेप्शंस, कुछ स्पेशल फैक्ट्स लेकर आते हैं इनमें, वो आपको याद रखना है राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो आपको याद रखना है। साथ के साथ दो और इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, एक्चुअली दो नहीं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। एक्टिवेटर कौन है पूरी साइकिल में, इनहिबिट क्या कर रहा है, अगर कुछ इनहिबिट कर रहा है कोई से स्टेप को, वो क्या है राइट। और तीसरी बात, अल्टीमेट आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है तो कितनी हो रही है, और अगर ऐसा होता, इस चीज में ये चेंज कर दिया जाता तो कितनी होती राइट। इस तरीके से चीजें जो है आपको कंसेप्चुअली पढ़नी है, क्वेश्चन फॉर श्योर जो है इसमें से आता ही आता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट चीज क्या है कि लोकेशन, ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं क्या लोकेशन है। एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया और आउटकम भी मैंने बताया, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या देखना है इसमें आपको, बेसिकली मैकेनिज्म देखना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का राइट, और डायग्राम पर प्लीज ध्यान देना, इसका डायग्राम आप बहुत अच्छे से समझ। बेसिकली क्वेश्चंस आर लाइक पोजीशंस, दे गोना आस्क यू कि ये कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है या फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन में हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन में क्या हो रहा है राइट, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, इस तरीके की चीजें पूछेगा। डायग्राम अच्छे से समझा हुआ होगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट इज व्हाट, एंजाइम एटीपी सिंथेटेस राइट, राइट, इसका स्ट्रक्चर, कैटालिटिक यूनिट्स कौन सी हैं, उन कैटालिटिक यूनिट्स का काम क्या है, जस्ट अंडरस्टैंड इट्स डायग्राम, डायग्राम समझ लो अच्छे से, उस पे मार्क कर लो कौन सी यूनिट का क्या काम है, लास्ट टाइम में बस उसको एक बार देखो अच्छे से, याद रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट, आयनोफोर्स, आयनोफोर्स क्या है और किस तरीके से जो है वो रिएक्ट, किस तरीके से वो रोल प्ले करते हैं राइट, किस तरीके से वो अपना इफेक्ट प्ले करते हैं।
नेक्स्ट इज वॉट शटर सिस्टम. बेसिकली दो तरीके के शटर सिस्टम आपको मिलेंगे, राइट. उन दोनों शटर सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है, राइट. मैलेट एस्पार्टेट शटर सिस्टम है, तो उसका जो है वो किस तरीके से ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटर सिस्टम से डिफरेंस है, उनके डिफरेंसेस लिख लो, टेबल बनाओ, डिफरेंसेस लिख लो. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस. ये तो बनता ही है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, नो, दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली कि ये डिफरेंसेस है या नहीं है, बताओ, टिक मार्क करो, नो. बट आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा तो दूसरे क्वेश्चन को भी लिंक करके आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे. नेक्स्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन आता है. फर्मेंटेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस जो है कुछ टाइम से आ रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, व्हाट आर देयर आउटकम्स एंड हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, राइट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर क्यू वैल्यू ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, राइट. आर क्यू वैल्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट है क्या, राइट. और जो अलग अलग मेन सब्सटेंसेस है, मेन सब्सटेंसेस में हम किसको देखेंगे, प्रोटीन्स को देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, लिपिड्स को देखेंगे, एसिड्स को देखेंगे. एसिड्स में भी बेसिकली मैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इनकी आर क्यू वैल्यू क्या है और कैसे आई वो, राइट. कभी कभी सेक्शन बी में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि एक आपको आर क्यू वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये कार्बोहाइड्रेट की है, प्रोटीन की है, लिपिड की है या फिर ऑक्सैलिक एसिड की है, जस्ट मार्क इट डाउन, राइट. सो यू मस्ट रिमेम्बर द आर क्यू वैल्यू ऑफ मेन सब्सटेंसेस. ऑल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. कितने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप उठाकर देखेंगे, यू गोना फाइंड दिस क्वेश्चन. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर या फिर फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जेड स्कीम से रिलेटेड मिले या अलग अलग पार्ट्स में मिले. स्ट्रक्चर देखना, क्लोरोफिल का क्या स्ट्रक्चर है, राइट. सेंट्रल आयंस कौन से हैं इसमें, क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है उसमें, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार, बिकॉज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, ठीक है. तो ये बहुत अच्छे से आपको करना है. कुछ ही पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स नहीं है. ज़ैंथोफिल इज देयर, कार्टिनॉइड्स इज देयर, क्लोरोफिल इज देयर. सो जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ट्राई टू मेमोराइज देयर स्ट्रक्चर. ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बना के याद करना है, बट व्हाट आर द मेन आयंस that are working in it, what are the main things that are working, playing important role to carry on the activity of that pigment, which is very necessary, you must remember that, right. All right, next is what difference between photosystem and photosystem 2, differences ki list banana, theek hai, किस तरीके से दोनों आपस में इंटररिलेटेड है. जेड स्कीम क्या है, 11th क्लास में आया था ये जेड स्कीम का, राइट. याद होगा, डायरेक्ट कोई बहुत अच्छे से आपको नहीं मिल रहा हो, 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको देखना जेड स्कीम, वहां से पढ़ना पहले, वहां से इसका आइडिया लेना, फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू में क्या डिफरेंस है, क्या है ये चीज, राइट. उसके बाद जो है स्टैंडर्ड बुक्स में अपनी बुक्स पर पहुंचना, यू विल गेट बेटर नॉलेज ऑफ दैट, राइट. ओके, नेक्स्ट इज वॉट डिफरेंसिस बिटवीन C3, C4 एंड कैम प्लांट्स. जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा आप उनको रटो, क्या C3 है, क्या C4 है, क्या कैम है, राइट. बिकॉज सी देखो, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, यहाँ जो चीजें सेट हैं बायोएनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म में, साइकिल्स हैं या जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, दे आर ऑल सेट, राइट. अब या तो वो फ्लो में चलते हैं या कुछ इनहिबिट करता है तो उनका रोल डिस्टर्ब होता है. तो आपको क्या करना है इस सब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए, जस्ट रिपीट रिपीट रिपीट. जितनी बार आप रिपीट करोगे, यू विल गेट बेटर मेमोरी पावर रिलेटेड टू दैट, राइट. सो कीप मेमोराइजिंग द थिंग्स. C3, C4 कैम प्लांट्स के लिए भी टेबल बनाना, राइट. जितने भी डिफरेंसेस उनके बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट देम, राइट. CO2 कंसेंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या एनाटॉमी है, क्या एंजाइम्स वर्कआउट कर रही हैं, और PPM पॉइंट क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है फर्स्ट में, इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करने हैं, राइट. ओके,
नेक्स्ट इज व्हाट, कुछ समय से ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के लिए भी जो है क्वेश्चंस जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ रहा है. सो ट्राई टू मेमोराइज दैट थिंग ऑल्सो. सी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, राइट? मैंने पहले भी कहा था, बट जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ना. और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आर मतलब श्योरिटी है उनकी कि वो आएंगे ही आएंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस का ले लीजिए आप, क्वेश्चन आएगा ही आएगा. साइकिल्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, या तो इनहिबिटर पे पूछेगा, स्टेप्स पे पूछेगा, एंजाइम्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, चीज़ें वही हैं. तो कोई फैक्ट नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप उन चीज़ों को छोड़ के जाएं, राइट? बेशक आप 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करें या 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, हालांकि जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ, ज़्यादा अच्छी रैंक आए. बट स्टिल आई वुड से कि जितना भी आप सब्जेक्ट कोई भी मॉड्यूल आप पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑफ योर चॉइस, बट वो इतने अच्छे से पढ़ना कि जो फॉर श्योर क्वेश्चन है उसमें उसको बिल्कुल मत छोड़ना. रिलेटेड क्वेश्चन जितने हैं ट्राई टू सॉल्व देम ऑल, राइट? Okay, thank you so much. Good luck. Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information, query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.